अगर आप में किसी की शादी हो रही है तो बुला लो, आ जाएंगे यहीं। ओके दोस्तों। अख पारा गे जी छोट गए दिला ते निशाने सदे मार दिया मैं कभी खेलूंगा, सारे राज तुझे अपने दे दूंगा। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। सो आज हमारा चंडीगढ़ में दूसरा दिन है, पर हमने डिसाइड किया है कि आज हम जाएंगे मेरी मम के घर, दोबारा आएंगे किसी दिन, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। केरला में 10 दिन स्पेंड करके आए हैं और यहाँ पे भी हमने रह लिया, और अब हम वकेशन को ओवर करना चाहते हैं। हिम्मत बड़ा हंस रहा था कि हम वकेशन में वकेशन पे आ गए। सो दोबारा आएंगे जब हमारा वापस जाने का समय होगा ना, अराउंड 20 और 22 के करीब आएंगे दोबारा, एक दो दिन तब रह लेंगे। राइट नाउ वी आर डन, अभी हमें घर जाके आराम करना है। और वैसे भी मौसम बहुत अच्छा नहीं है, तोंदा एंड ठंडा अजीब सा है, ग्लूमी, और ऐसी ग्लूमी में घूमने का मज़ा भी नहीं आता। हमें एक और दो चीज़ें करनी है इस ट्रिप में जो हम एंड में करेंगे, तब तक मौसम अच्छा भी हो जाएगा। वैसे भी लोहड़ी का फंक्शन आ रहा है, सो हम चाहते कि हम हमारे घर में हो फंक्शन वाले दिन पे। फंक्शन मतलब इवेंट आ रहा है, फंक्शन नहीं, हम घर में ही सारे अपना घर फैमिली सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ा जहा सिंपल सा। सो यस, अभी आज हमारा प्लान है कि हम लंच करेंगे हवेली से, तो देखते हैं उनका फूड, एंड अगर कोई नई अपडेट होगी, कुछ एक्साइटिंग होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम आए हैं मेरे हस्बैंड की ज़मीन देखने के लिए, और हम मजाक करते हैं। सो या हम वहीं फालतू साइट सीइंग करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद हम चलेंगे। ओए अब चलने हैं अंकल, उन्होंने मिलन। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट हवेली हेरिटेज। मुझे लग रहा है ये रूपनगर में पड़ती है, रोपड़, तो रूपनगर जी पहननी है ना, है ना भाई। हमारा प्लान था जलंधर में जाने का, पर अब हमने वो कैंसिल कर दिया है। सो मैं खाने वाली हूँ मेरे लिए महाराजा थाली, थाली उन्होंने मुझे दे दी है, तो थाली पता नहीं कितना गर्व करके एक एक कॉली लेके आएंगे या कोई बंदा आएगा तरह तरह के भोजन लेके। सो बड़ा खाएंगे, और मुझे मिले हैं सिरके वाले प्याज। हस्बैंड ने अपने लिए अमृतसरी कुलचा ऑर्डर किया है, क्योंकि हस्बैंड कुलचे में बिना नहीं रह सकते। मैंने कहा था कि तुम भी थाली कर लो, हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे अगर कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो। नहीं तो चीज़ें सेम नहीं, पहले मैं वंडरना ही नहीं, चीज़ें सेम नहीं, दाल मखनी सेम सी, कड़ी पकौड़ा ही, राजमा ही, तो मेरे चीज सारा कुछ ही है मेरे दादा, राजमा नहीं है बस, कड़ी पकौड़ा है, पनीर है, मिक्स वेज है, दाल मखनी है, दो लच्छा परांठा है, एंड पापड़ है, सैलड है, डिजर्ट है। सो मीमी दाल मखनी खाना चाहते हैं वो भी खा लेगा, एंड गुलाब जामुन भी खा लेगा। सो दैट्स द न्यू सो फार। सो इट्स ब्लैक ना, कपड़ू देना सुनता।
तो ये सुबह थाली आ चुकी है, लच्छा परांठा है, मुझे लच्छा परांठा खाना वैसे बहुत अच्छा लगता है, तो दाल मखनी मिक्स वेजिटेबल स्वीट केवल प्याज नाइस आई थिंक ये कढ़ाई पनीर भी है इसमें गुड जॉब बोल तो ये भी ट्राई करो मैं तुम पाई हूँ सब चीज़ गाना सुना दे ना लोरी का गाना सुना दे माड़ा जा सुना दे जाओ तू सुन ना अब एक डांस फाइल सुनाओ गाना सुनाओ कोई गाओ गाओ ओए दैट्स अ बैड स्पॉट ऊंची ऊंची बोलो तीनों जाने गाओ लल्ला लल्ला लोरी आंखों पे कचोरी है जाने में गोली दिल के दे मैं लोरी ओ अब तू इस पे पैंट पहना है हां जी ओ पहना आज स्कूल क्यों नहीं गए छुट्टी है आज केड़ी केड़ी क्लास से पढ़ दे चौथी चौथी पहली पहली एदा की नाम है शांति शांति एंड तोड़ा मेरा कुनाल कुनाल बाय 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 गाइस He's a good guy, right? Yeah. One guy is gonna feed doggy. All white, it's gonna go to the other.
Is he a good guy, bad guy? Good guy. ਤਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਬੱਗੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਹਿਵਾ ਮਾਰ ਜੂਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਥੱਲੇ ओके दोस्तों तो आज हम रवाना हो गए मेरी मॉम के घर से हस्बैंड के घर में ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा धुंध वाला दिन ना आज भी सूरज तो कहते हम लोगों ने देखा ही नहीं 10 दिन हो गए पता नहीं सूरज कब निकलेगा उम्मीद है कि लोहड़ी के बाद निकल जाए लोहड़ी परसों है एंड उसके बाद कहते आका हफ्ते हैं कि आई लोहड़ी पाला प्या कोड़ी बसंत आई बसंत आई बसंत पाला डंत आई लोहड़ी पाला प्या कोड़ी पाले नु कोड़ हो गया सुंगड़ गया वो लाइक हुण जो बंदे आ ना पूरे ते फिर कोड़ पाया ना उन्हूं आई लोहड़ी पाला प्या कोड़ी एंड आई बसंत पाला उड़ंत आई बसंत तक होना है आई भी उड़ंत हो जाना ओके दोस्तों तो फिर या धुंध वाला बकसूरत बोरिंग ग्लूमी दिन पर हस्बैंड के घर जाके अग सेकेंगे 5-7 घंटे ला के मैनू और मेरे पति नू लकीली फॉर्चुनेटली अग सेकना बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है हम दोनों उत्थे बैठे रहने धुएं वर्गी स्मैल साढ़े अंदरों भी आ पैंदी सो यार यही काम करेंगे और हस्बैंड कह रहे हैं कि वो मुझे उसी अग पे कुछ भुन के भी खिलाएंगे कड़ी खिलाएंगे कह रहे मैं उस पर कुछ बना के खिलाऊंगा तुम्हें एंड देखते हैं क्या करते हैं आपको भी आज की इस जर्नी में अपने साथ रखते हैं एंड जो भी कुछ होएगा वो आपको दिखाया जाएगा अगर कुछ नहीं होएगा वो भी दिखाया जाएगा वो तो ज़रूर से दिखाया जाएगा कि पति एक्चुअली कितना कमजोर एंड मतलब प्रस्त एंड दल बदलू है पति कहता कुछ है करता कुछ है बहुत ठीक है मैं ब्याह नहीं वेख्या ब्याह चल रहा है हमने कोई शादी नहीं देखी है एक दो शादियाँ थी वो हमसे मिस होगी एंड हूँ कहते कि कोई ब्याह नहीं आ गया और ब्याह जो डांस नचदी मैं उनको देखना चाहता सभ्याचार मैं दिखानी थोड़ा सभ्याचार सो कह रहे असं किसी दिन तैयार तुर हो गए बहु आप जो हमें तैयार तुर हो के आ गए उन्होंने कहना पता नहीं कहे साढ़े गैसट आए तो बुलाए भी नहीं है रब की दुआ ना ताते कोई ब्याह आ ही जाए अगर आप में किसी की शादी हो रही है तो बुला लो आ जाएंगे ओके दोस्तों सो आज है कुकिंग का सेशन नंबर 2 उस दिन अच्छी बनी थी दाल पर कनाडा के मुकाबले मैंने फ्लेवर ठीक ठाक भी लगे सो आज हम लोग कुक करेंगे चिकन करी मैं खाती नहीं हूँ वैसे हस्बैंड के लिए कुक कर रही हूँ आज हम हांडी में कुक कर रहे हैं आई होप आपको दिख पा रही होगी वो तो इसमें देखते हैं कि कैसा फ्लेवर बनेगा फट्टा इतने पैन लिया जेड़ा पीड़ी नहीं है वैसे वो फट्टा ही है कैमरा सेट करना बड़ा मुश्किल है जो कैमरा सेट होना होगा बैटरी या मेमोरी कार्ड ओके सो ये हांडी अभी भी आप अभी दोस्तों तो ये है वो हांडी अब आपको दिख रही है जैसी मुझे चाहिए थी ये वैसी नहीं है मुझे बहुत ही खूबसूरत किस्म की चाहिए थी कलाकारियाँ और इतने पिपल पत्तियाँ बढ़िया ले आया पत्ती किधरों इधरों क्या करें बहुत जीरा पास करे सो बेसिक हम चिकन करी बनाएंगे ओवर स्मार्ट नहीं बनेंगे हम सिंपल अच्छा बहुत ओवर फड़ा लहसुन वसन जली है मैंने लेके आई है सारा कुछ जिंजर गार्लिक तू ही पूछ लो या उधर वीडियो बना सो इसमें है टमाटर हरी मिर्च एंड जिंजर ये है गार्लिक एंड अनियन सबसे पहले हम गार्लिक ऐड कर देंगे सर पकड़ के रखिए हम ना अभी इसमें अनियन डाल देंगे जीरा भुन गया पट्टी देवो पे नन्नी सी स्माइल कामयाब होता दिख रहा है हमको सला बहु इतरो हवा नहीं ना जरा चौड़ा मुंह ना जी दिख रहा है कि होने सो गार्लिक मुझे दिखाई दे रहा है कि हो चुका है आई होप आपको मेरी आवाज़ सुन रही होगी क्योंकि आज बहुत ही क्लाउडी बारिश एंड नेरी वाला दिन है सो यहाँ से काफ़ी हवा आ रही है क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स हैं अपस्टेयर जाने के लिए ऑब्वियसली तो यहाँ से खुला एरिया है ना तो खूब सारी हवा आ रही है अनियन ऐड कर दिया मैंने
उम्मीद है कि अच्छा बनेगा। हमारा ना ऐसे परसेप्शन होता है कि जो भी हम चूल्हे पे स्लो कुक करके बनाते हैं, परसेप्शन की वैसे वो ऐसे काम ही करता है कि वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। एंड आज हम पहली बार हांडी में कुक कर रहे हैं, तो हांडी वाली चिकन करी उम्मीद है कि अच्छी बनेगी। चिकन करी की फैन नहीं हूँ मैं, हस्बैंड खाते हैं तो आई होप उनको अच्छी लगेगी। सो अनियन में हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं जल्दी, ताकि अंदर जाओ तो लेके आओ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लूनदानी चाहिए, जीरा पाउडर यार पता नहीं कैसा है मूह ना, एक धुआं बड़ा हो गया, दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा कि अनियन कैसे हुआ है अंदर। कैसे जाओ, खुले मुंह वाला चाहिए। अगर आप हांडी खरीद रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मुंह खुला हुआ है। एक्चुअली रोशनी भी नहीं है ना, अंधेरे में दिखाई नहीं देगी, ऐसा दिखन लगा। सारा बैटर बना के आई हूँ। मैंने अपनी मम्मी को कहा है, मदर इन लॉ को, कि आप ना एक बैच बना लो, तब तक मैं आ जाऊंगी। मुझे लगा इसमें चिकन डाल देंगे तब वो हौली हौली कुक होता रहेगा, एंड मैं तब तक पकौड़े बना लूँगी। परफेक्ट वेदर हो गया है पकौड़े का, ठंडा एंड चिली एंड ऑल्सो बारिश। बहु किद्दा बनने चिकन बढ़िया।